हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज हम आपको लेके आए इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाजार का न्यू व्लॉग लेके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वीडियो बने हुए सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। तो यार स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का व्लॉग। तो गाइज, आज इंदौर से लेके आ चुके हैं आपको लाजपत राय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। सो गाइज, आज रेट बताएंगे द्वार से। और संडे को लगता है ये बाज़ार यहाँ पे चांदनी चौक के सामने। तो पूछते हैं क्या क्या रुपये आइटम क्या है। अंकल इसका क्या रेट है? ये 10 रुपए की लाट है, ये 20 रुपए की है। ये 20 ओके, ये 10 रुपए के अंदर लाट मिल जाती है। 10 रुपए में कितने कितने की है? 10 रुपए के अंदर ऐसा पेचकस देख सकते हो। और ऐसे वहाँ पे भी लाट लगी हुई है 10-10 रुपए की। और कैंची भी मिल जानी है 10 की। दो दस रुपए की कैंची मिल जानी है। और लाइटर वगैरह भी हो जाते हैं ऐसे। ब्लेड मिल जाएगा वो चौड़ा वाला 10 रुपए के अंदर देख सकते हैं। घुमाने वाले लाइटर होते हैं ओके, आई फिट का। और मतलब 10-10 रुपए में ऐसे 20-20 रुपए में ऐसे गोटियाँ मिल जाती हैं भारी भारी देख सकते हो। और अंकल संडे संडे मिलते हैं अंकल। 90 दुकान नंबर है अंकल, ये देख सकते हो अंकल जी। परमानेंट मिलते हैं संडे संडे पे अंकल। ये कितने का होल सा? ये हॉल करने वाले कितने का है? ये 350 रुपए मिलना इसके हनुमान जस्ते के। ओके, तो पूछते हैं अंकल एक बार हॉल। आज मैं के दिन तो 450। ये देख सकते हैं हॉल सा भी मिलता है। ओके, तो और देखते हैं। और भी बहुत आइटम है यहाँ पे। और हैंड ड्रिल मिल जाना है, ड्रिल मशीन मिल जानी है 600-700 के अराउंड। ओके, ये होल सा मिल जाना है 120 रुपए के अंदर, जिसमें 4 सेट हो जाने हैं अलग अलग देख सकते हो। आ सकते हो यहाँ पे अंकल, मिलते संडे संडे को। और भी बहुत आइटम मिल जाता है 40-40 रुपए के अंदर। रेती हो जाती है 40 रुपए के अंदर देख सकते हो, बहुत आइटम रहता है भाई। इन सब का क्या रेट होता है? अलग अलग इसका क्या रेट है? ओके, चाबी का अलग अलग रेट है 50-40 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। और पाना भी सेम 40-50 अच्छा 40-50। मतलब साइज़ के हिसाब से रेट हो जाते हैं। मतलब ऑल हार्डवेयर आइटम मिल जाता है, हथौड़ा वगैरह मतलब जितने भी हैं देख सकते हो। और संडे संडे मिलते हैं मोरसराय मार्केट ही, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। और आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाज़ार के नाम से भी बहुत फेमस है। और मेरे चैनल पर वीडियो देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाज़ार के नाम से ही आती है। और मोरसराय मार्केट होती है, लोकेशन आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है। लाल किले के सामने पड़ जाता है। और पुरानी दिल्ली से भी, मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में पुरानी दिल्ली से भी बता रखा है कि पुरानी दिल्ली से आते हो साइड किस साइड से आए। तो उसके बाद और देखते हैं और आइटम पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अंकल जी हो जाते हैं। अंकल जी ऐसे बोर्ड वगैरह हैवी बोर्ड, ये काई चीज़ का बोर्ड है अंकल? ये काई चीज़ का बोर्ड है? अच्छा, होम थिएटर का बोर्ड है। तो देख सकते हो गाइस, ये होम थिएटर का बोर्ड है। और ओके, किसके अराउंड हो जाता है, कितने रुपए तक का हो जाएगा? 150 रुपये। ओके, 150 रुपये तक का हो जाता है और ये बोर्ड। उसके बाद एडजस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे देख सकते हो, 80 रुपये का एडजस्ट हो जाता है। ये कितने इंची का स्पीकर है ये वाला? 12 इंची का स्पीकर है। कितने तक का हो जाता है? 500 रुपये जोड़ हो जाता है 12 इंची। अंकल की शॉप हो जाती है यहाँ पे। और शॉप नंबर 135 है ये, 135 सातों दिन खुलती है अंकल की शॉप। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे एडजस्ट वगैरह। और ये कितने की? ओके, ये देख सकते हो सोल्डिंग आयरन 50 रुपये में हो जाती है। ओके, 50-50 रुपये के अंदर है सोल्डिंग आयरन मिल जाती है। और बहुत सी चीज़ें, ये क्या चीज़ है अंकल? ये स्पीकर है ये तो शायद है? ये स्पीकर हो जाता है देख सकते हो, ऐसे स्पीकर हो जाते हैं, यूज़ कर सकते हो आप इन्हें कहीं। तो अंकल जी की 135 नंबर शॉप है अंकल, सातों दिन मिलते हैं परमानेंट दुकान मिलती है अंकल की खुली हुई, आप कभी भी आ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अंकल जी मिल जाते हैं जो परमानेंट मिलते हैं संडे संडे वाले टाइम। और होम थिएटर अच्छे लाट के माल में होम थिएटर लेके आते हैं। और कंपनी के रहते हैं, सारे ब्रांडेड रहते हैं ना अंकल? सारे ब्रांडेड रहते हैं। ओके, तो ये सैमसंग वाला कितने का मिल जाएगा? ये 1000 का बेस है, ये बेस है 1000 रुपये का बेस सैमसंग। और ओरिजिनल है? ओरिजिनल मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा। ओके, उसके बाद ये क्या चीज़ हो जाती है अपने पेज रखा हुआ है? ये कनेक्टिंग का है, होम थिएटर। होम थिएटर कनेक्टिंग का कितने का हो जाता है ये? 1500। ओके, और ये एम्पलीफायर है क्या? ये 1200 रुपये का एम्पलीफायर हो जाता है। मतलब 8
अच्छा 8 ट्रांजिस्टर हो जाते हैं इसके अंदर। ओके, मेरे को तो नॉलेज नहीं है इतने ट्रांजिस्टर वगैरह की, आपके वो तो बता रहे हैं अंकल। 8 ट्रांजिस्टर हो जाते हैं। डीजे वगैरह चल जाता है इससे? हैं डीजे चल जाता है। ओके, और ये सोनी वाले कितने के पड़ जाते हैं? ये 600 रुपये एक, या दो जोड़ी एक 600 रुपये एक। ओके, अपने अंकल जी मिल जाते हैं। अंकल 141 शॉप नंबर देख सकते हो, 141 के जस्ट नीचे मिलते हैं संडे संडे वाले दिन परमानेंट। और ये छोटे स्पीकर कितने के हो जाए जोड़े? ये 300 रुपये का पेयर। अच्छा 300 रुपये का पेयर, 150 रुपये का एक, लेकिन ब्रांडेड मिलेंगे, फिलिप्स के हैं दोनों, देख सकते हो। ओके ओके, तो यहाँ पे भैया मिल जाते हैं अपने, भैया ऐसे सीलिंग लाइट दे रहे हैं। भाई कितने की सीलिंग लाइट, कितने की है? 50 रुपये से चालू है, चेक करवा के दिखाओगे? चेक करवा के दिखा देंगे। 50 रुपये में ऐसे सीलिंग लाइट हो जाती है, देख सकते हो आप। उसके बाद छोटी वाली कितने की है? छोटी वाली 20 रुपये की है। अच्छा ये बाइक वाली है क्या? बाइक वाली ना, सीलिंग लाइट है। अच्छा ये भी सीलिंग लाइट ही है, छोटी वाली है लेकिन 20 रुपये के अंदर। उसके बाद ये सारे देख सकते हो सीलिंग लाइट ही पड़ी हुई है यहाँ पे, 50 रुपये से 20 रुपये तक के बीच में। ये सेल कितने के? 10 के दो। अच्छा 10 रुपये के दो। ओके 10 रुपये के दो ऐसे सेल हो जाने हैं, ऐसे पैकेट पड़े हुए हैं 10 रुपये में दो। उसके बाद ये क्या चीज़ है? टच 50 रुपये की है। अच्छा टच है ये? ओके टच 50 रुपये के अंदर मिल जाती हैं, देख सकते हो टच ऐसे टच हो जाती हैं 50 रुपये के अंदर। कोई सी भी टच लो 50 रुपये के अंदर, आके ढूंढ लो। और ये लाइट हैं कितने की है? ओके 10 रुपये में ऐसे देख सकते हो, एक लाइट बना रखी है पीछे, दो तार निकाल रखे हैं 10 रुपये के अंदर। 12 वोल्ट की हो सकती है, यूज़ कर सकते हो, वैसे रोशनी अच्छी देगी क्योंकि इसमें बड़ा बल्ब रखा हुआ है। और पैकेट देख सकते हो पूरा पैकेट भरा हुआ है। उसके बाद ये एक्सटेंशन बोर्ड कितने का है? 80 रुपये में ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड मिल जाएगा, 400 किट हैं और एक सर्किट है, 80 रुपये के अंदर। उसके बाद ये जो रख रखे हैं LED के पैनल कितने का है पूरा पैनल पत्ता? 100 रुपये का। कितने पीस हैं? 12 सौ रुपये के अंदर 12, मतलब ये डायरेक्ट बिजली से चलेगी? अच्छा AC DC दोनों में मिल जाएगी। ओके उसके बाद यहाँ पे ट्यूब ये वाली स्ट्रिप लाइट कितनी? 100 रुपये का रोल है। अच्छा 100 रुपये का रोल है, कितने मीटर का होता है वो? अच्छा छोटे छोटे ही हैं, 100 रुपये के हैं, मतलब 2-3 मीटर तो आराम से निकल जाना है। सर भैया मिल जाता है 155 शॉप के जस्ट नीचे ही, देख सकते हो कितना आइटम पड़ा हुआ है, बहुत आइटम मिल जाता है भाई के पास, आके एक बार ज़रूर विजिट करो। और संडे का संडे संडे मिलता है भाई अपने यहाँ पे। उसके बाद आगे चल के देखते हैं और क्या है। ये पेचकस तुम्हारे के भाई कितने के हैं? ओके गाइस पेचकस देख सकते हो 50 रुपये, और ये हैवी वाला पेचकस है, लकड़ी वाला देख सकते हो, लकड़ी प्लास्टिक दोनों वाले हैं, 50 रुपये के अंदर, मेरे को तो बढ़िया लगा, सही नहीं है? ये 50 रुपये के अंदर यहाँ मिल जा रहा है, देख सकते हो बड़ा वाला पेचकस है। ओके यहाँ पे भैया मिल जाता है, भैया ऐसे प्रेस दे रहे हैं, और भैया के पास प्रेस हो जाती है 200 रुपये से स्टार्टिंग लेंगे, 200 350 400 रुपये तक की प्रेस हो जाती है भैया के पास। तो भैया को तो आप जानते होंगे परमानेंट यहीं मिलते हैं, परमानेंट मिलता है ना भैया? छोटी वाली मिक्सी कितने की जो तुम्हारे हाथ में? 500 रुपये की है। और ये जो कफ वाली है गिलास वाली? ओके ये वाली 600 रुपये की। और ये जूसर, जूसर पड़ जाएगा आपको 800 रुपये का। तो देख सकते हो प्रेस, जूसर, टोस्टर वगैरह, मतलब कि होम किचन वाले आइटम मिल जाने हैं भैया के पास, आके एक बार देख सकते हो। और लोकेशन आपको तो पता ही है, देख सकते हो लोकेशन और गली के कोने मिल जाते हैं। उसके बाद भैया से बर्ड्स पूछ लेते हैं, भाई बर्ड्स कितने के दे रहे हो? 450 रुपये के ऐसे बर्ड्स में बर्ड्स हो जाते हैं, साले चालू कंडीशन में मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो भैया के पास आके एक बार दिखा सकते हैं भैया। कितने दिन के अंदर, मतलब कोई 15 दिन? अच्छा 15 दिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो आप आके वापस कर सकते हो, परमानेंट मिलते हैं ना भैया आप? तो भैया तो परमानेंट मिलते हैं अपने 7-8 दिन। और ये नॉइज़ का ऐसे मिल जाते हैं डब्बा पैक 550 रुपये, नॉइज़ का 550 रुपये के अंदर डब्बा पैक मिल जाना है आपको। इसकी भी सेम गारंटी वारंटी है भैया के पास, नॉइज़ के अंदर दो मॉडल हैं, डब्बा पैक मिल जाने हैं। ओके और ये पावर बैंक कितने का है ये वाला? ये कितने का? ओके यहाँ पे भैया पावर बैंक मिल जाता है, कितने का है? 250 रुपये का पावर बैंक। और 350 रुपये के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी की होती है? वन प्लस। अच्छा वन प्लस की हो जाती हैं ये। तो भाई की लोकेशन देख सकते हो गली के कोने पे और ऊपर से पीपल का पेड़, ये लोकेशन है भाई की, देख सकते हो आप और आ सकते हो यहाँ पे। और दिखाते हैं और क्या क्या हो जाता है मार्केट के अंदर। वैसे हम थोड़ा आज जल्दी आ गए, अभी 10:30-11 बज रहे हैं, तो थोड़ा मार्केट कम लगी है, धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो रही है लेकिन। ओके तो भाई यहाँ पे मिल जाते हैं ऐसे बोट्स के स्पीकर दे रहे हैं,
देख सकते हो बोट का स्पीकर है, और पूछते हैं कितने रुपए का, कितने का ये वाला स्पीकर, 250 रुपए के ऐसे स्पीकर हो जाते हैं बोट के। ओके, और उसके ये वाला कितने का हो जाता है, ये वाला है, ये वाला भी 250 रुपए। ओके, ये वाला भी 250 रुपए का मिल जाना है आपको, दो मॉडल मिल जाने हैं। उसके बाद ऐसे बोट के बर्ड्स मिल जाने, बर्ड्स पूछते हैं बर्ड्स कितने के, 400 रुपए। ओके, बर्ड्स मिल जाने आपको 400-400 रुपए के अंदर, और 800-850 रुपए के अंदर ऐसी i7 की वॉच मिल जानी है आपको। और बोट वाली वॉच कितने की बताई मैं, 1800 रुपए की भाई। अब 1800 की, ओके, बोट वालों की वॉच होगी भाई 1800 रुपए की। ओके, उसके बाद ऐसे लाइट मिल जाती है, ये वाली लाइट कितने की मिल जाती है, 200 रुपए। ओके, 200 रुपए के अंदर ऐसे लाइट मिल जाती है, रिचार्जेबल होती है, की चैन में लटका लो आराम से। और ये क्या चीज़ है, टॉर्च कितने की है, 150 रुपए में ऐसे देख सकते हो, टॉर्च मिल जानी है आपको 150 रुपए के अंदर। उसके बाद वन प्लस के अंदर ये मिल जाते हैं अडप्टर, ये कितने का है, ओके, 100 रुपए का ऐसे वन प्लस का अडप्टर हो जाता है भैया के पास, तो देख सकते हैं माल बहुत है। और ये कितने का हो जाए, नेक बैंड भाई 350 रुपए का, वन प्लस 350 का वन प्लस का नेक बैंड हो जाता है। ओके, और ये वॉच आपकी है, दिखाना एक मिनट, देख सकते हो। और ऐसी वॉच हो जाती है, याली बोट वाली है, बोट वाली ना भैया, स्ट्रॉन्ग प्रो कॉल 1800 रुपए की। ओके, देख सकते हो ऐसी वॉच हो जाती है, कॉलिंग वाली वॉच है। ओके, तो भैया की शॉप हो जाती है शॉप नंबर 13 हो जाती है, और ग्लास वगैरह मिल जाते हैं वॉच के, शॉप नंबर 13 हो जाती है भैया पे। ओके, तो भैया यहाँ पे मिल जाते हैं, और भैया ऐसे 60 वाट के सोल्डिंग आयरन दे रहे हैं, देख सकते हो जो 60 वाट वाली होती है, 100 रुपए की दे रहे हैं, 100 रुपए के अंदर 60 वाट की सोल्डिंग आयरन मिल जाने हैं। उसके बाद ऐसे डाटा केबल मिल जाती है, और ये डाटा केबल कितने के भैया है, 20 रुपए के अंदर कोई सी भी डाटा केबल ले सकते हो 20-20 रुपए में। और इसके अंदर शायद USB डाटा केबल है, USB वाली होती हैं। उसके बाद ऐसे वॉचेस मिल जाती है, वॉच कितने की है, 200 रुपए। ओके, वॉच 200 रुपए के अंदर मिल जाती है, ऐसे देख सकते हैं गोल्डन कलर में वॉच है, 200 के अंदर। तो भाई की शॉप नंबर हो जाती है 14, और भाई पे एक स्पीकर अभी है न्यू स्पीकर, और ये वाला पूछते हैं ये स्पीकर कितने का है। ओके, ऐसा स्पीकर मिल जाता है 250 रुपए के अंदर, देख सकते हो हैवी वाला है बड़ा, और इसमें बड़ा स्पीकर लगा हुआ है, 250 रुपए के अंदर मिल जाता है। तो भाई की शॉप नंबर हो जाती है 14। ओके, डाटा केबल ऐसे भाई पे लाइट वाली होती है, देख सकते हो लाइट जल रही है इसके अंदर, और चेक करवा के दे देंगे आपको। उसके बाद आगे चल के देखते हैं और क्या हो जाता है मार्केट के अंदर। सो गाइस, फाइनली ये थे अपनी सारी मार्केट, और जितने भी मार्केट थे मैंने दिखा दी यार कम्प्लीटली। तब वीडियो करते हैं, मिलते हैं अनदर व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, और यार अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो मिलते हैं अनदर व्लॉग में।